अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ जारी है। पहला मैच तो बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था, लेकिन दूसरा मैच का रिज़ल्ट आ चुका है। दोस्तों, आज दूसरे वनडे मैच में कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीत कर पहले इंग्लैंड को बैटिंग करने की दावत दी। पाकिस्तान को यह बहुत ही नुकसान हुआ। इंग्लैंड ने अपने मुकर्रर 50 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 373 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जोस बटलर ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 55 गेंदों पर 110 रन बनाए। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की ओपनिंग का मसला है, लेकिन आज हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। फ़खर जमान और इमाम उल हक ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। इमाम उल हक 44 गेंदों पर 35 रन बनाकर फ़खर जमान को धोखा दे गए, लेकिन फ़खर जमान पिच पर टिके रहे और 106 गेंदों का सामना करते हुए 138 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। आखिरकार फ़खर जमान भी हार मार गए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि फ़खर जमान ने पिछले काफ़ी अरसे से कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई थी और उनकी सिलेक्शन पर भी काफ़ी उंगलियाँ उठने लगी थी, लेकिन आज फ़खर जमान ने ये इनिंग्स खेल कर तमाम पाकिस्तानियों को दिल जीत लिए और ये कहा जा सकता है कि फ़खर जमान वर्ल्ड कप 2019 में कौमी टीम के मेन प्लेयर होंगे, यानी अब उनको कोई ड्रॉप करने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो दोस्तों, आप फ़खर जमान की इस बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं लगते। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें वक्त पर मिल जाया करेंगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी अच्छी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।